सब्सक्राइब करें मेरा चैनल सुपर टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकॉन दबाएं। वेलकम टू माय चैनल सुपर टेक्नोलॉजी। मेरा नाम मनदीप दुल्ट। दोस्तों, गूगल मीट के रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। गूगल मीट को लैपटॉप में कैसे यूज करना है, मोबाइल में कैसे यूज करना है। बहुत दिनों से टीचर्स के कमेंट आ रहे थे कि मोबाइल के थ्रू गूगल मीट पे एक ही क्लिक में सभी स्टूडेंट को कैसे म्यूट करना है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में सोल्यूशन लेके आऊँ कि एक ही क्लिक में सभी स्टूडेंट्स को कैसे म्यूट करना है। ये सभी देखने के लिए बने रहे मेरी वीडियो के एंड तक। दोस्तों, लेफ्ट फोन को हम एज ए टीचर फोन यूज करेंगे, राइट फोन को हम एज ए स्टूडेंट फोन यूज करेंगे। टीचर फोन से आपने प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च करना है कीवी ब्राउजर। इंस्टॉल कर लेना है। दोस्तों, इंस्टॉल होने के बाद ओपन करना है। अभी आप जैसे यहाँ पे टाइप करोगे मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए, मीट डॉट गूगल डॉट कॉम, तो जो मीटिंग है वो ब्राउजर की जगह आपको प्ले स्टोर में ले जाएगा मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए। लेकिन उससे पहले आपने यहाँ पे से डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करोगे तो स्टार्ट ए मीटिंग का आपको यहाँ पे आइकॉन शो हो जाएगा। दोस्तों, मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले आपने राइट साइड पे थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है। थ्री डॉट्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगी एक्सटेंशंस, आपने एक्सटेंशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एक्सटेंशन पे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे एक्सटेंशन का पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ लेफ्ट पे क्लिक करना है, ओपन कीवी वेब स्टोर पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, लेफ्ट टॉप में आपको सर्च बार मिलेगी, आपने इस सर्च बार पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे सर्च करना है म्यूट ऑल ऑन मीट। दोस्तों, इस एक्सटेंशन को आपने सर्च कर लेना है। जैसे आप सर्च करोगे तो आपके पास ये रेड कलर में फर्स्ट एक्सटेंशन मिलेगी, तो आपने इस एक्सटेंशन को ऐड टू क्रोम कर देना है एंड ओके पे क्लिक कर देना है। आपके पास यहाँ पे जो ऐड टू क्रोम की ऑप्शन थी वो डिसपियर हो गया, इट मींस आपके फ़ोन में एक्सटेंशन ऐड हो गई है। उसके बाद आपने फिर से वही उसी टैब में विजिट करना है, लेकिन यहाँ पे अभी आपको एक्सटेंशन शो नहीं होगी, तो उसके लिए एक बार आपने ब्राउज़र को क्लोज़ कर देना है। ब्राउज़र को क्लोज़ करने के बाद फिर से आपने ब्राउज़र को ओपन करना है एंड आपने स्टार्ट इन न्यू मीटिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे गूगल अकाउंट फिल करना है। दोस्तों, जैसे ही आप गूगल अकाउंट की डिटेल्स फिल कर दोगे तो आपके पास यहाँ पे मीटिंग की ऑप्शन आ जाएगी, तो आपने यहाँ ज्वाइन नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहां ज्वाइन नाउ पे क्लिक करोगे तो अभी आपके पास यहां पे एक न्यू आइकन शो हो जाएगा माइक्रोफोन का। अगर आपके पास कैमरा की अलाउ करने की ऑप्शन आ जाए तो आपने इसे अलाउ कर देना है, को भी अलाउ कर। दोस्तों, अभी मैं राइट मोबाइल से एंड पीसी से मीटिंग को ज्वाइन करूंगा। दोस्तों, अभी यहाँ पे मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। इस मीटिंग में अभी टू पार्टिसिपेंट हैं, टू स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको शो कर रहा हूँ, दोस्तों अभी मैं आपको शो करना चाहता हूँ कि ये दोनों ही जो स्टूडेंट्स हैं वो अनम्यूट हैं। तो एक ही क्लिक में आप सभी स्टूडेंट्स को म्यूट कैसे करना है, तो आपने यहाँ क्रॉस पे क्लिक करना है। दोस्तों, पार्टिसिपेंट को म्यूट करने के लिए आपने यहाँ इस आइकॉन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस आइकॉन पे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे एक मैसेज होगा, आपने कुछ नहीं करना, जस्ट ऑटोमेटिकली जो भी आपकी मीटिंग में पार्टिसिपेंट थे वो म्यूट हो गए हैं। जैसे यहाँ पे शो हो रहा है, पहले फर्स्ट जो पार्टिसिपेंट है वो म्यूट हो गया। दोस्तों, यहाँ पे सेकंड पार्टिसिपेंट भी थोड़ी देर बाद म्यूट हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस एक्सटेंशन के थ्रू आप स्टूडेंट्स को अनम्यूट नहीं कर सकते, सिर्फ म्यूट ही कर सकते हो। अगर इन फ्यूचर कोई इसके रिलेटेड कोई और अपडेट मिलती है तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। और दोस्तों, मैं आपको इस एक्सटेंशन का ड्रॉबैक बताना चाहता हूँ कि जैसे आप प्रेजेंट स्क्रीन पे क्लिक करते हो, उसके बाद आप योर एंटायर स्क्रीन पे या किसी भी टैब पे क्लिक करके स्क्रीन को शेयर करने की कोशिश करते हो तो यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग नहीं होती। दोस्तों, अगर आपकी गूगल मीट या किसी भी अदर एजुकेशन ऐप की क्वेरी है या कोई सजेशन है तो मेरी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर टेक्निकल अपडेट्स।